सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार के होम्योपैथिक निदेशालय के निर्देशानुसार सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सा इकाई द्वारा होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक एल्बम 30 कोरोना वॉरियर्स को मुहैया करवाई गई है। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी डारा ने बताया कि कोरोना ड्यूटी पर कार्यरत कोरोना योद्धाओं के लिए दवा का वितरण किया गया है। उपखंड अधिकारी रतन कुमार स्वामी को 100 किट, नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी को 350 किट, पुलिस विभाग के लिए एएसपी सीताराम महीज, सीआई मनोज कुमार को 50 से अधिक किट, चिकित्सा विभाग के लिए पीएमओ डॉक्टर महेश वर्मा को 150 किट दवा के प्रदान किए गए हैं, ताकि संबंधित कर्मचारियों को वितरण किया जा सके। इस कार्य में एएनएम ओम कंवर, समाज सेविका सुमन सामरिया ने भी योगदान दिया। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। होम्योपैथिक निदेशालय से प्राप्त आदेश के अनुसार हम लोगों को आर्सेनिक 30 डिस्ट्रीब्यूट करने का जो आदेश दिया था, उसकी पालना में आज हमने सबसे पहले राजकीय सुजानमल बगड़िया हॉस्पिटल के पीएमओ इंचार्ज श्री महेश जी वर्मा को 150 किट उनके कर्मचारियों और अधिकारियों को वितरित करने के लिए दिए। उसके बाद श्री एसडीएम साहब श्री रतन कुमार स्वामी जी को 100 किट उनके विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वितरित करने के लिए दिए। तत्पश्चात श्री सीताराम जी माहिज जो पुलिस विभाग के जो एडिशनल एसपी हैं उनको, और उनके साथ मनोज कुमार जी सीआई हैं उनको, और उनसे 50 से अधिक पुलिस कर्मियों को होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक 30 वितरित की। साथ ही उनके टेम्परेचर से रिलेटेड थर्मल स्क्रीनिंग की गई, ताकि उनमें कोई अगर कोई साइन सिम्टम हो तो श्रीमान महेश जी वर्मा को मैं सूचित कर सकूं। ये श्रीमान महेश जी वर्मा का साथ में निर्देश भी था कि जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और मुझे रिपोर्ट की जाए। इसके बाद बसंत कुमार सैनी जी नगर परिषद के जो आयुक्त हैं श्रीमान बसंत कुमार सैनी जी, उनको 300 किट जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए, उनको 300 किट सफाई कर्मचारियों के लिए मैंने दिए। इस तरह करीब 700 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को मैंने आर्सेनिक एल्बम 30 आज डिस्ट्रीब्यूट की।